नमस्कार, मुँ हूँ सुमन सर, वाणिज्य फैकल्टी, जीएस फैकल्टी। मुझे आज आप जानते जे 6 तारीख दिन आपणकर एएसओ एग्जाम अच्छी, राइट? तो ताकि मुझे टिप्स देवाई चाहूँगी जोटा कि आपंकर एग्जाम आपणकर कैरियर पर कौन रहा हूँ हेल्पफुल हो पार। ठीक अच्छे, तो फास्ट मुझे ये कहीपरि जी हूँ फास्ट अफ अल द बेस्ट अफ ब्लक आपण एग्जाम देवाई चाहते आप एग्जाम पकई फॉर्म फिलअप करते आपड़ एग्जाम देवा जाऊँ। ठीक अच्छे, तो किसी टीप्स देवी जोटा कि आपको एग्जाम एग्जाम टी हेल्पफुल फर्स्ट टिप हूँ जे आप जी पढ़ी से ही पढ़ी जातु जे आउ कि आउटसाइड रू कि पढ़ीदेवी जोटा कि आउ कि ज्ञानी होगी पढ़ेबी ये हीजी सेमती आज किसी भावतुनि जी पढ़ी जी आप कंटेन्ट अच्छी से कंटेन्ट रे ही आपड़ पढ़ी जातु। ठीक अच्छे, आउतापर जदि आप एक्सट्रा पढ़े से क्वेश्चन टा कर तो सेटा आप माइंड में कौन हाँ स्ट्राइक रही जाए मुझे क्वेश्चन टा कर। ठीक अच्छे, तो जहाद्वारा कि कौन हाँ पुणी टेंशन एंजाइटी आसव टेंशन आसव पुणी एग्जाम एग्जाम कौन हम खराब हम। ठीक अच्छे, तेनालीमको कौन करके आम पाखे कंटेन्ट अच्छी से पढ़वर अच्छी फास्ट। सेकेंड हूँ कौन ना आमको आज मॉक टेस्ट दबार ना जी आपण मैंने मॉक टेस्ट दे सारी से एनफ। ठीक अच्छे, आउ मॉक टेस्ट दी दिन में आप दी दिन में मॉक टेस्ट देखिए करें कहीं दी दिन ही आपको हाथ में ही टाइम अच्छे एवं दी दिन टा हूँ रिवाइज टाइम ये टाइम टा नुहे आप मॉक टेस्ट देते आप जानते आप एबिलिटी कौन आपड़ अलरेडी मॉक टेस्ट दे सारी। ठीक अच्छे, तेणु एवं हूँ आउ मॉक टेस्ट देवा दरकार ना एवं आप फोकस ओनली करेंगे रिवाइज उपर सो डोंट गिव मॉक टेस्ट। ठीक अच्छे, देन थर्ड हूँ कौन ना कौन सी डिस्ट्रैक्शन आम जान माइंड डिस्ट्रैक्शन तो चारिड़े हुए जे एग्जाम टाइम जे माइंड डिस्ट्रैक्शन आधिका हम कहीं टेंशन पलि जो मान तो जो माने कि आपने जो मैंने भल भाव प्रिपेरेसन होती समस्त भल भाव प्रिपेरेसन हूँ बट जो मैंने अधिका सीरीयस था एग्जाम दुईटा पिला मुझे गोटे एग्जाम्पल देवी दुईटा पिला था गोटे पिला कौन ना से सेम जिन पढ़ी थी आउ गोटे पिला भी सेम जिन पढ़ी थी। ठीक अच्छे, किंतु गोटे पिला कौन करे एग्जाम जो जाए निजर पॉजिटिव वाइब्स रखी जाए पॉजिटिव एटीट्यूड रखी जाए किंतु आउ गोटे पिला कौन करे ना नेगेटिव एटीट्यूड आउ नेगेटिव वाइब्स रखी जाए जहाद्वारा कौन हुए दी जन तो एका पढ़ी ये भी सही सेम कंटेंट पढ़ी ये भी सही सेम कंटेंट पढ़ी किंतु अलग एटी कौन ना आपंकर पॉजिटिव माइंडसेट पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव वाइब्स किंतु तार कौन ना नेगेटिव एटीट्यूड नेगेटिव कारे मन न हो कि काले मु एग्जाम फसी जीवी कि तो ये सब जिन कला मैंने आप माइंड ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्ट हम जहाद्वारा कि एंजाइटी क्रिएट हम एग्जाम भल करें ना तो से सब जिन आपको कौन रखा पड़ो ना एवॉइड करने पड़ो। ठीक अच्छे, तो तापर हूँ जोटा को डिस्ट्रैक्शन कहते आजिकल तो जानते हैं आईपीएल चलती मुझे पढ़ीदेवी तपर जाए आईपीएल टी देखीदेवी के स्कोर है कौन है सेमती जिनस करेंगे ना नेटफ्लिक्स मुझे नेटफ्लिक्स ये सीरीज देखदेवी से सीरीज देवी टी यूट्यूब ये सारिड देखदेवी से सारिड अरे अलरेडी तो आपने पढ़ी सारी तो ये काम हो रिभाइज आ माइंड टाक जमी स्टेबुल आम रखा डोंट डिस्ट्राक्ट योर माइंड। ठीक अच्छे, नहीं अच्छा देन तापर आउ गए कौन कह ना नेक्स्ट टिप्स हूँ आउ गए देवी जो कौन सी सांग सपोज तुम गोटे आपसे सांग गोटे फोन कर आरे आरे यही सब जिनसा पढ़ो और यू जिन पढ़ी सारी कि आपड़ा मुझे एगुडा सब पढ़ी मत तो एगुड़ाक जाना ना मुझे कौन करी पुणी माइंड टेनसन होगा स्टार्ट हो। ठीक अच्छे, तेणु आपड़ा सांग मान सहित मिसंतु बट एमती ना जे से सांग मुझे अधिया पढ़ी देती मुझे कम पढ़ी देती सेमती माइंड सेट रखु ना। ठीक अच्छे, एवं आ मात्र दुई दिन एग्जाम रहा एवं आमको कौन करार अच्छी ना हूँ पॉजिटिव आटीच्यूड रखिक आमको आगे जबार अच्छी। ठीक अच्छे, आमको जमी भी एग्जाम क्लीयर करमती ना जे मुझे एग्जाम हल को किसी लेखि पार नी सब प्रिपेरेसन सब होती बट एग्जाम किसी लेखि पारे एग्जाम किसी मुझे सल्व कर पारे एग्जाम किसी कर ही पारे तेणु सेटा आमको कौन रखा पड़ो ना पॉजिटिव आटीच्यूड रखा पड़ो एवं जिते पार्टी आप टाइम रिविजन करूँ रिविजन करने को भूल। ठीक अच्छे, आउ हूँ गोटे कथा आमर जदि आप देखु दीटा पिला जदि आप जाइए आईदर आप हम ना नब जो मानक तो कंग्रेचुलेसन। ठीक अच्छे, जो मानक न होने मन खराब करूँ ना बिकज दिस इज योर नॉट योर लास्ट एग्जाम एटा तुम लास्ट एग्जाम नुह आप बहुत एग्जाम आसव बहुत एग्जाम आपको कौन करा पड़ो ना आगे जावा पड़ो एटा जस्ट जो मैंने 6 तारीख दिन जो मैंने एग्जाम देवाक जी से निजी भावे मुझे क्रिकेट मैच खेलिया जाऊँगी मे आईदर मुझे जीति पारे ना मुझे हारी पारे
ଯଦି ତ ଜିତିଗଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବି ହାରିଗଲେ ଏଇଟା ଭାବିବେନି ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ 100 ମାରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନି? ତ ଯିଏ ତ ଅଲରେଡ଼ି 100 ମାରିଦେଇଛି ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଗଲା, ତ ସେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇବ, ସେ ତ ଜବ୍ ପାଇଯିବ ପଳେଇବ। ତାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ବାଲା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି 100 ମାରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇପାରିଲେ, ସେମାନେ ମନ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ବାଣୀ GS ଫାକଲ୍ଟି, ଅଲ୍ ଫାକଲ୍ଟି, ସବୁ ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେବାକୁ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଯେଉଁଟାରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ, ସପୋଜ୍ ମୋତେ GS ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମୁଁ ହେଉଛି GS ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତେଣୁ ମୁଁ କେଉଁଟାକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ କରିବି, GS ର ସବୁ ପାର୍ଟ ଆଟେମ୍ପ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମୁଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାର୍ଟକୁ ଯିବି। ତାପରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତାପରେ ଇଂଲିଶ ପାର୍ଟକୁ ଯିବି। ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସୁନି ତ ସେଟା ମୁଁ ଯାଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିଦେବି। ସେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଲେବୁଲ୍ଟା ଲୋ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି, ତ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ଲାଭ ହିଁ କିଛି ହେବନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାରେ ଲୋଏଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସ ପାଉନି ଯେ ହଁ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ କରିପାରିବି କରିପାରିବି, କାହିଁକିନା ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ତ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରହୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଆସୁନି ସେଟାକୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରୁ ରଖିବା, ଆଉ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଗେ ଆଗେ କରିକରି ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଇ ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର ଆସିବ, ବହୁତ ଦରକାର ଆସିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।